घिर के गली गली तबा असंदे है तेरा दे तू बड़ी दूर डाले सतलोक दी ने का करो मेहरबानी वो दुआएं करता रहता दुआ करता रहता हज के लिए दुआ करता लेकिन मंजूरी नहीं हो रही थी। जब चौथा साल आया हज का मौसम आ गया अब वो जा रहे हैं काफिर मदीने की तरफ जब काफिले रवाना होने वाले थे उस बंदे ने फिर से दुआ कर दी कि या सलाह करम कर दीजिए अब चौथा साल अब तरफ जुदा है कैफियत उसकी बन चुकी है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब में तशरीफ ले आए सुभान अल्लाह और ख्वाब में आकर फरमाया इस साल तुम भी हज पर आ जाओ सुभान अल्लाह जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए इस साल तुम भी हज पर आ जाओ अब वो पल्ले जड़ नहीं है या उसने कोई मेरे पल्ले जड़ थी रखते सफर सरवर नहीं तुम बुला दो तुम बुला दे पढ़ो कर याद है अब तीसरे चौथे साल उसको ख्वाब में मेरे आका की ज्यारत होनी है और मैं तुम भी हज पर आ जाना रात ख्वाब देख ली आका का दीदार कर लिया सुबह होती है परेशान हो गया कहते मेरे पास तो पैसे कोई नहीं जाने मेरे पास तो पैसे कोई नहीं रात सोया रसूलुल्लाह ने फिर खड़ी फरमा फिर माया इस साल तुम भी हज पर आ जाना इस साल फिर हज पर आ तुम भी आ जाना तो अब हालत तो आका जानते ही है लेकिन ना ये बोला ना मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुछ ये चुप कर दिए लबी के अरसला सुबह उठा परेशान है फिर तीसरी मर्तबा मेरे आका ने ख्वाब में करम फरमाया सुभान अल्लाह तीन साल दुआएं की थी दुआएं रब नहीं जाती है तीन दीदार अता की फिर फरमाया इस साल तो भी हज पर आ जाना फिर गुलाब फिर चुप है अब कहते हैं अब अगर मेरे आका ख्वाब दिया है तो मैंने अर्ज कर देना है मैंने कह देना मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास इंतजाम नहीं है जब चौथी रात हुई तो इमाम अंबिया फिर ख्वाब में आते कि आता है मुकमिलों बड़ों ने प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और कहे मेरे मंगता का भला हो मेरे आका फिर ख्वाब में आए साल हज पर आ जाना तो जबाने हाल से कहने लगा आका पल्ले सर नहीं रखते सफर सरवर नहीं तुम बुला ले पर होता दिन क्या नबी आज की आका मेरे पास पैसे नहीं है माल दौलत नहीं है मैं कैसे आऊंगा मैं परेशान होने की बात नहीं है तुम्हारे दाते की एक जिला तुम्हारे घर के खुला कोने में वो दफन है वो उठना और उसको बेच कर तुम भी मेरे मदीने में आ जाना भी आ जाना वो बंदा उठता है बड़ा हसास पिसास है आका करीम ने आपने करम फरमाया हुआ था चार मर्तबा दीदारे रसूल अता हो चुका था और मोहर लग चुकी थी ये मदीने में जाना है अब सुबह उठता है और उसने उसी जगह पर खुदाई शुरू कर दी है नमाज फजर पढ़ने के बाद खुदाई करता है देखता है कि बड़ी ही कीमती एक जीरा मौजूद है बड़ी ही साफ सुथरी है जैसे किसी ने राह नहीं दफन की हो जैसे किसी ने अभी रखी हो कि आता है फकीरों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा उस बीक ने और कहे मेरे मंगता का बना हो ऐसे जैसे किसी ने अभी रखी हो उसे निकाली और बाजार जाकर बेचता है 4,000 दिनार में उसको बेचा तो कहता है रब्बे काबा की कसम मेरा जाने का भी इंतजाम हो गया हो जाने का भी ठोकर सब गली गली तबाह